अखिलेश के विधायकों ने बढ़ा दिया सियासी पारा। अब यूपी में 11 नहीं 17 सीटों पर होंगे चुनाव। योगी ने पलट दी पूरी बाजी। उपचुनाव में जीतने की बड़ी तैयारी कर रहे थे अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी विधायकों ने ही कर दिया बड़ा खेल। अखिलेश की सारी रणनीति योगी ने कर दी एक झटके में फेल। जी, लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के 10 विधायकों ने जीत दर्ज की थी। यूपी में करहल, मिल्कीपुर, सीसाबाऊ, कुंदरकी, गाजियाबाद, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, खैर और मीरापुर विधानसभा सीटों पर विधायकों ने जीत दर्ज की थी। ये सभी विधायक अब लोकसभा के सदस्य बन चुके हैं। इन सभी 10 सीटों को विधानसभा की ओर से खाली भी घोषित कर दिया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग अब इन सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान जल्द कर सकता है। और इसी बीच खबर सामने आ रही है कि यूपी की 7 और सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। दरअसल साल 2024 की फरवरी में यूपी में 10 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव हुए थे। इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 8 और समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवार उतारे थे। मतदान वाले दिन समाजवादी पार्टी के 7 विधायक पूजा पाल, विनोद चतुर्वेदी, राकेश प्रताप सिंह, राकेश पांडे, अभय सिंह, आशुतोष मौर्य और मनोज पांडे बागी हो गए। इन सभी 7 विधायकों के संदर्भ में दावा किया गया कि इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया था। अब मंगलवार को समाजवादी पार्टी के 2 बागी विधायकों राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह दिल्ली पहुंचे और भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में सुनील बंसल से मुलाकात की। दोनों बागी नेताओं के साथ यूपी से बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ भी मौजूद थे। अब इस मुलाकात के सियासी मायने ये निकाले जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के बागी विधायक आने वाले दिनों में इस्तीफा दे सकते हैं, जिसके बाद यूपी में 10 नहीं बल्कि 17 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं। हालांकि पूरे घटनाक्रम से वाकिफ सूत्रों का दावा है कि अभी इस्तीफे की स्थिति नहीं बनी है। बीजेपी अभी इस स्थिति में नहीं है कि वो समाजवादी पार्टी के बागी विधायकों को कुछ दे पाए। इस बात की भी निश्चितता नहीं है कि सिटिंग विधायकों को ही अगर टिकट मिले तो वो दोबारा उसी सीट पर जीत का परचम लहरा पाए। सूत्रों का ये भी कहना है कि इसके साथ ही आने वाले समय में विधान परिषद की कुछ सीटों पर चुनाव होने हैं। बीजेपी विधान परिषद में अपना दबदबा कायम रखने के लिए इन विधायकों की मदद ले सकती है। ऐसे में अभी सपा के बागियों द्वारा इस्तीफा देने की परिस्थिति नहीं बन रही। सूत्रों के मुताबिक अभी तक समाजवादी पार्टी ने अपने बागियों के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत भी नहीं की है और इसलिए इन विधायकों की कुर्सी पर कोई खतरा भी नहीं है। ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि किन किन सीटों पर उपचुनाव के आसार बन रहे हैं। ये सीटें हैं पूजा पाल कौशाम्बी के चायल, विनोद चतुर्वेदी जालौन के कालपी, राकेश प्रताप सिंह अमेठी के गौरीगंज, राकेश पांडे अम्बेडकर नगर के जलालपुर, अभय सिंह अयोध्या के गोसाईगंज, आशुतोष मौर्य बदायूं के बिसौली से विधायक हैं। अगर इन विधायकों ने इस्तीफा दिया तो यूपी में 17 सीटों पर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन हालिया घटनाक्रम देखते हुए ऐसा होना मुमकिन नहीं दिख रहा। वैसे इस बारे में आपकी क्या राय है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।